फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर हम लोग पेंट ब्रश के भाग 3 को सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 सीख चुका है, अब हम लोग भाग 3 को आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ अभी तक होम और उसके कई पार्ट को मैंने यहाँ अभी तक देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग व्यू को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि जूम इन क्या होता है, जूम आउट क्या होते हैं, जूम और ये 100% क्या होता है। मीन्स अगर आप किसी, देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक शेप को बनाया हुआ है, आप इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ से इसका साइज बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, और जूम आउट करेंगे तो साइज कम हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब जूमिंग परसेंटेज बढ़ेगा जूम इन से और जूमिंग परसेंटेज बढ़ेगा जूम आउट से। ओके अभी देखिए मैं यहाँ जूम आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये 25% नीचे में, यहाँ देखिए 25% हो चुका है। यानी मैं मिनिमम यहाँ से 12.5 यानी 12.5% मैं यहाँ पर इसको जूम आउट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ से मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ से 800% को यानी 800% को यहाँ से मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना, जूम इन परसेंटेज। यहाँ से आप 100% देख रहे हैं तो आप इसको क्लिक करिएगा तो ये 100% में चला आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ रूलर की, देखिए रूलर में यहाँ चेक मार्क टिक किया हुआ है चेकबॉक्स को, तो अभी आप रूलर यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ रूलर को अनटिक कर दूंगा तो यहाँ से रूलर जो है वो हाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी रूलर को शो करना है तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, और रूलर को हाइड करना है तो भी आप इसी प्लेस पे टिक करेंगे फ्रेंड्स। ओके मैं यहाँ रहने देता हूँ रूलर को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ग्रिड लाइंस, तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ग्रिड लाइंस चला आएगा फ्रेंड्स। फिर से आप ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट स्टेटस बार क्या होता है, देखिए आप यहाँ से नीचे में देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 27x64, आप यहाँ नीचे की बात करें। ओके और यहाँ पे जो जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है, ये पूरा जो पट्टी है स्टेटस बार का है, तो आप यहाँ से स्टेटस बार को यहाँ देखिए टिक किया हुआ है, मतलब स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। ओके मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो देखिए स्टेटस बार नीचे हाइड हो गया है फ्रेंड्स। आप यहाँ फिर से इसको टिक लगाएंगे तो स्टेटस बार फिर से सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन के लिए F11 आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन में दिखेगा। ओके आप एस्केप बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं पेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले सेक्शन को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे है कि आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन कहता है कि ये जो आप पिक्चर बना रहे हैं, ये जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। यस यानी सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करना चाहते हैं चाहेंगे तो अब यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है। जैसे मैंने डोंट सेव पे क्लिक किया, मुझे एक नया पेज दे दिया फ्रेंड्स। आप इसके लिए कंट्रोल एन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए यहाँ कंट्रोल एन का भी ऑप्शन इसमें दिखाई देता है, अगर आप न्यू पेज लाना चाहते हैं तो कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। ये कुछ कंट्रोल एन शॉर्टकट होता है, उसी तरह से ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ है, सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस है। तो इस तरीके से ये सभी शॉर्टकट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है फ्रेंड्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए ओपन करना है। ओपन से क्या होता है, किसी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो जो फाइल आप यहाँ बनाए हुए हैं उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज़ मैं ये कुछ यहाँ पे फ़ोटो है तो आप मुझे आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको यहाँ ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि आप यहाँ से किसी चीज़ को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेव एज क्या होता है, फाइल किया हुआ सेव को आप फिर से सेव करना चाहेंगे तो उसके लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है, यानी ये F12 इसको कहते हैं, सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट का बात करते हैं, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने प्रिंटर मशीन से इस फोटो को जो पेंट ब्रश में दिख रहा है इसको प्रिंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके प्रिंट करने के लिए भी मैंने तरीका बताया हुआ है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि यहाँ प्रिंट में एक और ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का। जैसे आप इसको क्लिक करिएगा तो प्रिंट कैसा होने वाला है, आपके पन्ना पर कैसा प्रिंट होगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। जैसे कि अगर आपके पास स्कैनर मशीन है या फिर अगर आपके पास कैमरा है तो आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई कैमरा में कोई फ़ोटो है या कोई किसी चीज़ को स्कैन करना है तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्कैनिंग करने वाली वीडियो भी मैंने बताई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ से भी हम लोग जो फ़ोटो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये जो फ़ोटो मैं यहाँ क्लिक, ये फ़ोटो मैं जो यहाँ बना रहा हूँ या फिर ये जो ड्राइंग बना हुआ है, ये मेरे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मैं यहाँ से देखिए मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ और अब आप यहाँ मिनिमाइज़ करिएगा, देखिए तो ये पूरा क्या हो गया कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में ही ये पूरा बिल्कुल सेट हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सीख लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है एग्ज़िट का। आप यहाँ से इसको क्लिक करिएगा तो आपका पेंट ब्रश प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इस तरीके से पेंट ब्रश के बारे में बताया कि कैसे इसको ओपन करना है, वहाँ से लेके पूरा टूल्स क्या होते हैं, साथ में पेंट का ऑप्शन क्या क्या होता है, न्यू सेव सेव एज, आप इसको बढ़िया से देखिएगा फ्रेंड्स। मैंने ये तीन वीडियो में इसको कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए